brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. आज ब्रॉन्ज मेडल लेके जा रहे हैं, ऐतिहासिक दिन है, जैवलिन का, नीरज चोपड़ा का स्वर्ण था, ओलंपिक में आपका ब्रॉन्ज है, इस जश्न को आप कैसे मनाएंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मतलब कंट्री के पहले ये था कि इंडिया वालों को इतना जानता नहीं था, लेकिन अब भी क्या है कि जैवलिन में तो इंडिया वालों को सब जानते हैं, मतलब ये अभी हम फिर कम्पीट करने जाते हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा ये लगता है कि हाँ इंडिया से भी कोई जैवलिन थ्रो हो रहा है, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम अपने देश के लिए मतलब इतना अच्छा कुछ कर पा रहे हैं। जहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सबका दबदबा है, उसके उन सबके दबदबे को आपने तोड़ा और यहाँ पर अपने लिए ना केवल पदक जीता बल्कि देश को खुश होने का मौका दिया। बस सर हमारी तो मतलब यही कोशिश रहती है कि मतलब हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें, कि हमारे देशवासियों को मतलब जो भी हमारे फैंस हैं, जो भी मतलब हमारे मेडल का वेट करते हैं, हम उनको प्राउड फील कराएं, बस यही होता है कि हम अच्छे से मेहनत करें अपना 100%। एथलेटिक्स में क्या कुछ बदला? पहले एक दो ब्रॉन्ज आ जाते थे तो पूरा माहौल बदला रहता था, अब तो इतना सब कुछ हो गया, गोल्ड भी आ गया आज। सर अभी ये है कि हमें पहले हमारे पास अच्छे कोच नहीं होते थे, फैसिलिटी नहीं होती, अभी हमारे पास अच्छे कोच हैं, फिजियो है, हमें स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं, जैसे कि डोप्स हैं, साई है, फेडसन है, तो जितनी ज़्यादा हमें सुविधाएँ मिल रही है उतने ज़्यादा मेडल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो अभी आने वाले टाइम में बहुत नजर आने वाले। परिवार में कैसा माहौल होगा जब जाएंगे देश में, तो आपको हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा? परिवार वाले काफ़ी खुश होंगे, उन्होंने बोला था कि इस बार तो खाली हाथ मत आना, कुछ अच्छा करके आना, तो बस यही है कि हाँ मैंने मेरा बेस्ट ने कोशिश किया था, नाउ नेक्स्ट में थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए Sports the Camp.